देह धारण कर बरसों काम किया है, बहुत सी बातें कही है परमेश्वर ने, वो शुरू करता है सेवा कर्मियों के परीक्षण से, फिर वो भविष्यवाणी और न्याय करना शुरू करता है। शुद्धिकरण के लिए मृत्यु परीक्षण का उपयोग करता है। वचन बोलते हुए लोगों को सत्य मुहैया कराते हुए, इंसान की हर तरह की धारणाओं से संघर्ष करते हुए, परमेश्वर में आस्था के सही मार्ग पर लोगों की अगुवाई करता है। बाद में इंसान को वो थोड़ी उम्मीद देता है, ताकि आगे क्या है देख पाए इंसान, यानी सुंदर मंजिल में एक साथ प्रवेश करेंगे परमेश्वर और इंसान। करो पर
परमेश्वर के लहजे पर उसके वचनों पर ये बातें कभी कभी असहज बनाती है इम्तिहान लेती है उसके वचन कभी कभी सहज बनाते हैं इंसान को सचेत है विचारशील है उस पर परमेश्वर कठोर है उसके फिर भी दयालु और सहिष्णु है परमेश्वर पर अगर वो दया ना दिखाता सब पर सहिष्णुता अनुग्रह से व्यवहार न करता तो क्या बचाने के लिए अनगिनत वचन